दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। HPSEB पेंशनर्स एसोसिएशन किन्नौर रामपुर आनी निर्मंड कुमार सेन एवं नारकंडा की बैठक रामपुर में हुई। बैठक में कर्मचारियों ने सरकार को चेताया कि आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए बकाया विभिन्न पलों एवं देनदारियों का भुगतान शीघ्र जारी करे, अन्यथा इसका खामियाजा भुगतने को प्रदेश सरकार तैयार रहे। और जो जब से स्केल रिवाइज हुआ उस पर जो कई लोगों के अभी पेंशन कैसे लटके हैं, इसलिए उनको जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में पेंशन को लेने में बहुत कठिनाई आ रही है। और इसी साथ में जो एरियर है, अभी गवर्नमेंट ने एरियर के ऑर्डर कर दिए, वो भी किए परसेंटेज वाइज उम्र के हिसाब से, परंतु बिजली बोर्ड में वो भी नहीं हुए। जो DA का ऑर्डर किया, DA जो बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जहाँ 50% DA हो गया, हमारे यहाँ पर अभी 30% हुआ, 34 हुआ, 16% का गैप है। ये गैप कब पूरा होगा? और जो यहाँ पर जो है मुफ्त कोरी है, जो 125 यूनिट है, जो 16 लाख कंज्यूमर जिसमें 0 बिल आ रहा है, बिजली बोर्ड का बेड़ा गर्क कर दिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि रेवड़ियाँ बांटनी बंद करो, और यहाँ पर पिछले साल इलेक्शन से पहले 2023 में जुलाई में जयराम ने रेवड़ियाँ बांट दी, बिजली बोर्ड को 500-600 करोड़ एनुअल घाटा कर दिया। मुफ्तखोरी कब तक चलेगी? और उसके बाद जो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये तो और आगे चलेगी। ये कहते हैं कि हम तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। सिटी चैनल के लिए रामपुर बुशहर से विशेश्वर नेगी की रिपोर्ट।